अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 82। आज के इस लेसन में हम 3D एरे कमांड्स, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने एरे एरे कमांड्स भी कर चुके हैं और दोबारा से क्यों कर रहे हैं। तो पहले वाली जो एरे कमांड हमने की थी वो सिर्फ और सिर्फ 2D में यूज़ होती थी, मीन आपके जो ड्राइंग्स वगैरह जब आप बनाते हैं, 2D ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें यूज़ होती थी। और आज की जो कमांड्स हैं ये 3D में काम करेंगी, 3D थ्री डायमेंशंस में आपके पास काम करेंगी। वो दूसरी जिससे पहले हम की थी वो 2 डायमेंशंस पे काम करती थी, एक्स वाई पे, और आज की कमांड 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जी तीनों डायमेंशंस पे काम करेगी। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया, इसको एक्सट्रूड करता हूँ मैं। ओके, एक्सट्रूड किया। और अब एरे कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं, एरे कमांड के ऊपर जाते हैं। और एरे कमांड के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, एरे रेक्टेंगुलर एरे पे आप क्लिक करें, या एरे की शॉर्ट कमांड, आपको पता है कि एरे की शॉर्ट कमांड क्या है। एरे की शॉर्ट कमांड है AR, एंटर करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आप राइट क्लिक करें और कौन सा एरे हम देना चाह रहे हैं, पहले रेक्टेंगुलर एरे देना चाह रहे हैं तो क्लिक करें, तो हमारे पास देखें रेक्टेंगुलर एरे बस यहाँ पे आगे देख सकते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर एरे जो है नॉर्मल आया हुआ है। अब कह रहा है सिलेक्ट ड्रिप टू एडिट एरे, एरे को सिलेक्ट करने के लिए आप देखें एसोसिएटिव है, बेस है, काउंट है, कॉलम है, रो है, लेवल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होंगी सारी की सारी। अब यहाँ पे कॉलम 4 है तो 4 ये 1, 2, 3 एंड 4 देख सकते हैं, और कॉलम के बीच में जो स्पेस है वो आपको बता रहा है, देख सकते हैं बिटवीन टोटल स्पेस बता रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉर्नर तक स्पेस बता रहा है। रोज कितनी है, 3 है, बिटवीन फासला कितना वो बता रहा है। अब लेवल 1 है तो अब लेवल जो होता है ये जेड एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। एक्स और वाई, एक्स एक्सेस में हमारे पास ये देखें ये कॉलम है 1, 2, 3 एक्स एक्सेस में, और वाई एक्सेस में हमारे पास ये 3 रो आ गई। जेड एक्सेस में लेवल आ रहे हैं तो जेड एक्सेस में लेवल में आप किसके बढ़ाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 3 लेवल आ जाए। अब देख सकते हैं आपके हमारे पास 3 लेवल आ गए, और इन 3 लेवल को देखने के लिए आप यहाँ पे देखें, देख सकते हैं 3 लेवल आ गए। 3 लेवल के बीच का स्पेस जो है ये ज़्यादा करना चाह रहे हैं ज़्यादा कर सकते हैं आप, तो ये 4 है तो मैं इसको 8 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, देख सकते हैं आप स्पेस भी इसमें ज़्यादा हो गया, देख सकते हैं आप स्पेस ज़्यादा हो गया। और ये था हमारे पास ये, और टोटल स्पेस आप देना चाह रहे हैं, टोटल स्पेस 16 है तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 20 करता हूँ, 20 स्पेस आ जाएगा, उसके हिसाब से हमारे पास देखें 10 के हिसाब से हमारे पास 3 लेवल बन गया, आप देख सकते हैं। तो ये था जी लेवल, और आप किस लेवल पर काम करते हैं, और कॉलम को बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा सकते हैं, कॉलम कम करना चाह रहे हैं कम कर सकते हैं, तो जेड एक्सेस में वापस लेवल भी बढ़ गए। अब मैं यहाँ पे कॉलम 4 है तो कॉलम को मैं 3 करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, 1, 2, 3। साइज इसका बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाह रहे हैं तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था जी आपका डबल, आप स्पेस प्रेस करें तो आपके पास देखें एरे कमांड अप्लाई हो गए। तो ये जो एरे कमांड है ये हमारे पास कौन सी है, रेक्टेंगुलर एरे है और पोलर एरे। अब पोलर एरे के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो पोलर एरे के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, और इस सर्कल में मैं एक यहाँ पे स्पेयर शेप में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस कॉर्नर में। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर काम करूँगा तो उसके लिए मैं दोबारा एरे या AR एंटर करता हूँ, या फिर मैं पोलर एरे पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो कौन सा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पे एरे मेरे पास बढ़ गए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आइटम कितने नंबर ऑफ आइटम 6 हैं, तो मैं आइटम देता हूँ 30, 30 आइटम आ गए, आप देख सकते हैं। बीच का स्पेस आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो बिटवीन स्पेस 12 है तो मैं इसका बिटवीन स्पेस देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3, देखिए 3 मैंने स्पेस दे तो कितना ज़्यादा करीब आ गए, तो मैं इसको देता हूँ 12, 10 देता हूँ, 10 स्पेस दे दिया, 12
12 दे दें, आपकी मर्जी है, 12 स्पेस देता हूँ मैं इसको। और फिल टोटल स्पेस यहाँ पे दे दिया, रो कितनी है, रो हमारे पास 1 ही है, 2 रो देते हैं तो 2 रो आप दे दें, तो इसी के बैक साइड पे उसी स्पेस पे हमारे पास एक और रो बन जाएगी, सेकेंड रो आप देख सकते हैं। 3 रोज देना चाह रहे हैं तो 3 लिख दें यहाँ पे, 3 रोज बन गया आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इसको 2 ही करता हूँ रोज को। अब लेवल इसमें भी 1 है तो लेवल भी आप इसके दे सकते हैं, लेवल आप 2 करें यहाँ पे, तो है 2 लेवल यहाँ पे आ गए इसके, तो उसको आप, मैं शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसको मूव करके आपको दिखाता हूँ, देखें 2 लेवल है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास लेवल, और लेवल हम किस तरह बढ़ाते हैं जेड एक्सेस में, अपने जो है तो अपने ऑब्जेक्ट को जेड एक्सेस में कैसे लेके जाते हैं, और इसमें एक्स वाई और जेड क्या होता है हमारे पास। तो आपको एक्स हमारे पास ये वाला एरिया है, वाई हमारे पास ये वाला एरिया, और जी हमारे पास टॉप लेवल वाला एरिया है। तो ये था हमारे पास पोलर एरे। नेक्स्ट जो है वो पाथ एरे है, तो पाथ एरे के लिए मैं एक फॉर एग्जाम्पल आर्क ड्रॉ करता हूँ, एक आर्क में देता हूँ। अब इस आर्क को मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको मैं उठाता हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, और यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ बस। और अब इसके ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या इसके ऊपर मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, कोई भी कौन शेप में इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। और अब जो एरे में लूंगा, ए आर एंटर करता हूँ, ए आर एंटर करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, पाथ एरे, पाथ पे क्लिक कर दें आप, तो आपके पाथ के ऊपर देखें क्या एरे कमांड अप्लाई हो गया, देख सकते हैं जो पाथ है उस पाथ के ऊपर एरे कमांड अप्लाई हो गया। और इसमें भी यही काम है, आपने इसका पाथ आइटम बढ़ाने हैं, साइज बढ़ाना है, इसमें रोज बढ़ानी है, लेवल बढ़ाने हैं, तो लेवल बढ़ा सकते हैं, 3 करता हूँ मैं, तो देखें 3 लेवल में बस ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देख सकते हैं, 3 लेवल इसके आगे देख सकते हैं। तो ये था जी एरे कमांड और एरे कमांड का फंक्शन, और जिसमें हम ने 3D एरे भी किया, रेक्टेंगुलर पोलर एंड पाथ एरे भी कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि हम एरे कमांड को कैसे यूज़ करते हैं 3D में, और फिर किस तरह काम करते हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।